हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का VVI क्वेश्चन जो आपका सेमेस्टर एग्जाम में और टेस्ट एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से लिया गया प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का प्रॉब्लम आपका आने वाला एग्जाम में भी मिलेगा देखने को, और आपका टेस्ट भी एग्जाम जो होगा उसमें भी आपको इसी तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलो 10 प्रॉब्लम का हम लोग मॉडल क्वेश्चन दिए हैं। ये 10 प्रॉब्लम को क्या करना, बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करके आना है, यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलो अब देखो, चीजों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गिव्स एग्जांपल। तो आपको डिफरेंस बताना है। तो आपको बताए थे कि सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर, उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल होगा वो सिलिकॉन होगा, और आपका क्या होगा, जर्मेनियम होगा। आपको ये भी बताए थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, अनदर वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है स्टूडेंट, वो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है। ये सेमीकंडक्टर का क्या है, प्योर फॉर्म है। ये प्योर फॉर्म होने के कारण इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो पुअर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसमें आपका सिलिकॉन और सिलिकॉन का ही क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली उस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे जो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इंप्यूरिटी का एडिशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिजाइनिंग करते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्रिंसिक, ये अनप्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसी का दूसरा नाम है डोप्ड सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को बनाने का एक ही मकसद है कि इस सेमीकंडक्टर को बनाने से कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके तुलना में इंट्रिंसिक के तुलना में काफी गुना ज्यादा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। इसका मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, अनप्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप, दूसरा क्या होता है पी टाइप। एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम लोग जो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर जो डिजाइनिंग करते हैं उसमें जो हम लोग डोपिंग करते हैं वो आपका क्या होता है, पेंटावेलेंट डोपिंग होता है। और पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट का डोपिंग करके हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिजाइनिंग करते हैं। एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, मेजोरिटी होता है। नंबर ऑफ होल की संख्या क्या होता है, माइनॉरिटी होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी कैरियर होता है वो आपका होल होता है, माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करते हैं वो डोपिंग कैसा होता है, तो पेंटावेलेंट डोपिंग होता है। पेंटावेलेंट डोपिंग उस तरह के एलिमेंट को बोलेंगे जिसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 5 हो, उसको बोलेंगे पेंटावेलेंट एटम। वही आपका क्या होगा, पेंटावेलेंट डोपिंग में आपका काम देगा। जैसे आपका हो गया फास्फोरस, फास्फोरस का आपका एटॉमिक नंबर 15 होता है, उसको ब्रेक करेंगे तो 2, 8, 5 होगा। 5 आपका आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट एटम बोलेंगे। ये चीज आपको समझना है। और ट्राइवेलेंट किसको बोलेंगे, जिसका बाहरी सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 3 हो। जैसे आपका एक एग्जांपल हम लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2, 8, 3 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 है। ये चीज को आपको याद रखना, आगे की ओर डिजाइनिंग कर लेना है। और आपको क्या करना, क्रिस्टल फॉर्मेशन का डायग्राम को बना देना है जो हम बोले हैं, ये आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से लिखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है। कंपेयर हाफ वेव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट को बनाना है, फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट को डिजाइनिंग करना है, ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट को डिजाइनिंग करना है, और प्रत्येक का एडवांटेज को लिखना है। ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है। बेसिकली रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं जो आपका क्या करता है, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर, डायोड और आपका लोड रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लोड के अक्रॉस में हम लोग आउटपुट को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। जो हम लोग इनपुट देते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट देखना रहता है। जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग इनपुट हम एसी सिग्नल देते हैं तो आपका पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, नेगेटिव पार्ट आपका रेक्टिफायर नहीं होता, ब्लॉक हो जाता है। इसी के लिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपको प्रॉपर ढंग से बताया गया है। तो आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से इसका सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप ब्रिज रेक्टिफायर, सॉरी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, तो वो उसको बना देना है। और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 को डायोड लेके आपको बनाना है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली एक ड्रॉबैक होता है, उसमें सेंटर टैप
ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जिसका कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये उसका क्या है ड्रॉबैक है, इस सर्किट को डिजाइनिंग करने में कॉस्ट इफेक्ट क्या होता है ज़्यादा बैठता है, इसीलिए ये आपका ड्रॉबैक है। इसका एक ड्रॉबैक है पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है 2 VM होता है, ये भी इसका ड्रॉबैक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सर्किट को बनाना बहुत जरूरी है, सर्किट को आपको याद करके जाना है, सर्किट को 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाना है, हाफ वेव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को भी बढ़िया तरह से देख के जाना है और इसका इफिशेंसी भी देख के जाना है। ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है पूरा डिटेल में क्या करना है डिजाइनिंग करना है लिखना है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है रेक्टिफायर से प्रॉब्लम आ रहा आपको समझना होगा। डिफाइन द अल्फा बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ये आपका प्रॉब्लम हम समझा दिए हैं, हम क्लास में भी बता चुके हैं और आपको डिराइव करके भी बता चुके हैं कि अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो ये आपका कॉमन बेस कॉमन इमिटर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से ये सब आपका सॉल्यूशन होता है। अल्फा का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है करंट गेन होता है, ये करंट गेन आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। अल्फा का जो वैल्यू होगा आईसी बटा क्या होगा आई होगा, आईसी का मतलब होता है कलेक्टर करंट, आई का मतलब होता है इमिटर करंट, ये रेशियो होता है करंट का उसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं। और आपका होता है एक बीटा, बीटा आपका कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है, बीटा का जो करंट रेशियो होता है आईसी बटा आईबी होता है, ये चीज़ों को आपको क्या करना है याद रखना है। और एक होता है इमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस क्या होता है बेस करंट होता है। ये इक्वेशन को हम लोग प्रॉपर ढंग से जब डिवाइडिंग करके जब रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे तो एक रिलेशन आता है बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा डिवाइडिंग बाय क्या होता है 1 - अल्फा होता है। ये रिलेशन को आपको डिराइव करके क्या करना है बता देना है, हम अपने वीडियो में पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन बता चुके हैं, आप वहां से इसका सॉल्यूशन को ले लोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को ड्रॉ करना है और गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट को कांस्टेंट क्या करना शो करना है, यही आपका इसका प्रॉब्लम है। तो ये भी आपका प्रॉब्लम आप मेरा वीडियो में सॉल्यूशन किया गया है, इसको आप देख लोगे वहां से आपको मिल जाएगा। आप शॉर्ट नोट में भी हम बता चुके हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये आपका डिप्लेशन रीजन में काम करता है, ये आपका डिप्लेशन और इनहांसमेंट दोनों रीजन में काम करता है, इसका प्रॉपर ढंग से हम अपना वीडियो बना चुके हैं। तो यहां से भी इसका ये आपका दोनों प्रॉब्लम का क्या होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि एक्सप्लेन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक बता चुके हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, तो इन्वर्टिंग में जो होता है जो भी आप इनपुट दोगे उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके आउटपुट में शो करेगा, इस तरह के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलेंगे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपका आउटपुट को शिफ्ट करके नहीं देगा, वह उसका सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ा करके देगा, बट इसमें आपका फेज शिफ्ट 0 डिग्री होगा, इसमें आपका फेज शिफ्ट 180 डिग्री होगा। इसका जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन जो आता आउटपुट एक्सप्रेशन V0 इक्वल टू आप देखोगे तो RF बटा क्या होता है RI और क्या होता है आपका भी इन होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ये आपका आता है इन्वर्टिंग से। और नॉन इन्वर्टिंग में आपको क्लास में बताया तो 1+RF बटा क्या होता है आपका RI गुना क्या होता है आपका VI, ये भी चीज आपको क्या करना याद रखना, ये वाला आपका इन्वर्टिंग के लिए, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग के लिए है, ये आपको प्रॉपर ढंग से याद रखना है। इसमें हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही एप्लीकेशन से प्रॉब्लम पूछा गया है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करोगे 14 नंबर का प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगा। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम आपको बताते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट बेसिकली उस तरह के गेट को बोलते हैं जिस गेट का हेल्प लेके हम दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, उस तरह के गेट को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द यूनिवर्सल गेट, 1 इज कॉल्ड NAND गेट, अनदर 1 इज कॉल्ड NOR गेट। ये 2 तरह का आपका क्या है यूनिवर्सल गेट है, इसका आपको सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल सभी चीज बताए थे, उसको प्रॉपर ढंग से क्या करना रिटर्न करना है, तो ये प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा 7 नंबर। चलो 8 नंबर बताते हैं कि व्हाट इज द जेनर डायोड, एक्सप्लेन इट, ड्रॉ द VI डायग्राम ऑफ ए जेनर डायोड। जेनर डायोड बेसिकली जो होता है स्टूडेंट, ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं जेनर डायोड को। जेनर डायोड का जो एप्लीकेशन होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में इसका यूज करते हैं। जेनर जो होता है जेनर ब्रेकडाउन जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलेंचेज ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन जो होता है लेस देन 6 वोल्ट में होता है, एवलेंचेज ब्रेकडाउन ग्रेटर देन क्या होता है 6 वोल्ट में होता है। जेनर ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डायोड को हम लोग हाईली अमाउंट ऑफ क्या करते हैं डोपिंग करते हैं, तो जल्दी से जल्दी क्या होता है वो ब्रेकडाउन कर जाता है। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में इसका बहुत ही योगदान है, इसका यूज करते हैं। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है, जेनर डायोड का सिंबल को याद रखना है, इसका VI डायग्राम भी आपको क्लास में बता चुके हैं, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आया हुआ है। चलो अब 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते
देखते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम कन्वर्सन, नंबर सिस्टम कन्वर्सन स्टूडेंट आपको कई बार बताए हैं कि नंबर सिस्टम बेसिकली जो होता है, एक होता है बाइनरी, एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल। ये सब चीज़ भी बताए थे, बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है। बाइनरी को 0 से 1 के बीच में लिखते हैं, उसके बाद डेसिमल को 0 से लेकर 9 तक के बीच में लिखते हैं, उसके बाद ऑक्टल को 0 से लेकर 7 तक में लिखते हैं, और हेक्साडेसिमल को 0 से लेकर 9 और ए बी सी डी से लेकर आपको एफ तक में क्या करते हैं रिटर्न करते हैं। और ये भी बताए थे आपको कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्सन कैसे करना है, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, उसके बाद आपका बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, कई प्रकार का प्रोसेस आपको बताए थे नंबर सिस्टम में जब क्लास ले रहे थे। तो यहां से आपका नंबर सिस्टम का कन्वर्सन से आपका प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या करना है, हैंडल कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट 10 नंबर प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द मार्क्स एंड डीमार्क्स, एक्सप्लेन इट। मार्क्स का मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर और डीमार्क्स का मतलब होता है डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को भी बेसिकली आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना है और डीमार्क्स को भी बेसिकली प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। मार्क्स में भी आपको बता चुके हैं और डीमार्क्स भी आपको प्रॉपर ढंग से क्लास में बता चुके हैं, तो यहां से आपको प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करो, इस 10 प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से अपने कॉपी में उतारो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन करो, यहां से प्रॉब्लम 100% जीरो देखने को मिलेगा। ये आपका सेट नंबर 1 था, फिर सेट देंगे इस तरह करके आपको मोटा मोटी 20 से 22 प्रॉब्लम यदि कर लोगे तो आपका 100 में 100 क्वेश्चन भिड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलो, ये आपका मॉडल सेट नंबर 1 था, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करो, बढ़िया तरह से आप रिवाइज करो, इससे आपको टेस्ट में भी मिलेगा और मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके। वंदे मातरम।